वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो आप जी नाल विषय की विचार करनी है कि गुरु घर दे विच जां सिख रहत मर्यादा अनुसार कीर्तन कौन कर सकता है। अपने लिए तो हर कोई कर सकता है, लेकिन गुरु घर दे विच संगत दे विच कीर्तन कौन कर सकता है। तो सिख रहत मर्यादा के अंदर बड़ा साफ लफ्जा दे विच लिखिया होया है कि संगत विच कीर्तन केवल सिख ही कर सकता है, भाव कि अपने वास्ते हर कोई कीर्तन कर सकता है जां अपने तौर पर अपने पद्धर दे उत्ते कोई भी कीर्तन कर सकता है। लेकिन जो संगत विच उपदेश देण वाली गल आउंदी है जां संगत विच कीर्तन करन दी गल आउंदी है जां कथा करन दी गल आउंदी है ते उत्थे इह अधिकार केवल ते केवल गुरमत दे अनुसार गुरमत की रहनी के अनुसार केवल तो केवल सिख नूं दिता गया है। गुरदेव पातशाह गुरबाणी के अंदर वचन करदा है, प्रथमे मन प्रबुद्ध ए अपना पातशाह वर रिझाई, राम नाम जपो हिरदय जापै मुख ते सगल सुनाई। अरे प्रभु परमात्मा पहले अपने आप नूं सुचेत करना ते दूजियां नूं बाद दे विच पहले अपने मन नूं प्रबोधना है, दूजियां नूं बाद दे विच पहला भाव के अपने विच भी वो गुण आने चाहिए आ। जरूरी नहीं कि वधिया गाउण वाला वो जीवन दे विचों वधिया होवे, लेकिन वो गुरदेव पातशाह कहिंदे जेकर संगत दे विच करना तां पहला अपना जीवन भी हंडाउणा पैणा है, अपना जीवन भी बनाउणा पैणा है, तां ही दूजियां नूं असीं उपदेश दे सकदे हाँ। इस वास्ते संगत दे विच जेकर कीर्तन करनगे गुरसिख ही कीर्तन करनगे ते तां ही गुरु दी मत गुरु दी सिक्ख्या संगतां दे विच आ सकदी है। ते साहिब गुरबाणी दे अंदर होर भी वचन करदे जो जो कथा सुने हर कीर्तन तां कि दुरमत नासै सगल मनोरथ पावै नानक पूर्ण होवै आस। ते जदों ज्यों ज्यों असीं प्रभु परमात्मा दा कीर्तन सुनते हैं कीर्तन करते हैं तो साढ़े जीवन के अंदर अवगुण दूर होंगे ने, गुरमत जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं। हुण सानू थोड़ी समझण की लोड़ है कि कीर्तन आख्या किनू जाता है, कीर्तन किसनू आख्या जाता है। तो सिख रहत मर्यादा अनुसार दूसरा नंबर पॉइंट कीर्तन के विच ये आता है कि कीर्तन गुरबाणी नू रागां विच उचारण करनू कहिंदे आ। हुण आम तौर दे उत्ते भोली भाली संगत नूं जो कि गुमराह करन दे वास्ते उन्हां नूं बंदिशां जां धारना ला ला के उन्हां नूं धुनां दे विच सुना के कीर्तन आखदे ने, लेकिन ख्याल करना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के अंदर 31 राग गुरदेव पातशाह ने उचारण किए ने। हरेक राग दियां वक्खरियां वक्खरियां धुनां ने, हरेक राग दे अंदर शब्द अष्टपदियां शंत वारां इत्यादिक उचारण कीतियां ने, उच्च हरेक संगीत दे विच घर उचारण कीते ने कि किहड़े घर दे विच गाउणा आ, किहड़ी धुन दे उत्ते गाउणा आ, किन्नियां दी सरगमां आ, हरेक चीज़ गुरबाणी दे अंदर वो चीज़ां लिखियां होईयां ने। ते कहण लगे ने कि जेकर थोड़ी जी बाणी सिर्फ ते सिर्फ राग मुक्त आउंदी है, बाकी सारी रागां दे विच आउंदी आ। ते इस करके सिख रहत मर्यादा के अंदर इस खास करके लिखा हुआ है कि कीर्तन गुरबाणी नू रागां विच उचारण करनू आख्या जाता है, होर किसी नू एक कीर्तन नहीं आख्या जाता है। मेरे मोहन सरवनी यह ना सुने साखत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए। कहण लगे गुरदेव पातशाह समझाउण लगे कि जिहड़े रब नालों टुटे हुए गीत धुना वजा के वो नहीं सुननिया, बल्कि परमात्मा नाल जुड़न दे वास्ते कीर्तन दियां धुना रागां दे विच ही सुन के अपने जीवन दे अंदर आनंद लैना है। हुण अगला पॉइंट जो है कि वह है कि जिहड़ा कीर्तन करना किस चीज़ का है। तो सिख रहत मर्यादा दा तीसरा पॉइंट ये आउंदा है कि संगत विच कीर्तन केवल गुरबाणी जां उस दी व्याख्या स्वरूप रचना भाई गुरदास जी अते भाई नंद लाल जी दी बाणी हो सकती है। कीर्तन केवल ते केवल गुरबाणी दा, इत्थे कच्ची बाणी नहीं। सच्चे पातशाह स्पष्ट लिखदे ने कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी,
ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਵਿਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਵਾਧੂ ਤੁਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਘੜਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।